मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान श्रीनगर विधानसभा में पहुंचे, जहां उन्होंने श्रीनगर में एक रोड शो में हिस्सा लिया। बता दें कि शिवराज सिंह चौहान के रोड शो की शुरुआत काला रोड से हुई, जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मार्ग गणेश बाजार अपर बाजार तक पहुंचा। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान श्रीनगर बाजार के हर एक व्यापारी के प्रतिष्ठानों और वहां पर मौजूद लोगों से मिले, जहां नगरवासियों ने उनके साथ जमकर तस्वीरें भी खिंचवाईं। इस दौरान उन्होंने श्रीनगर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सह कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के लिए लोगों से वोट देने की भी अपील की। रोड शो के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक में भी पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वोटिंग के लिए मात्र कुछ ही दिनों का समय शेष बचा है। इसके लिए हर एक कार्यकर्ता को जी जान से धन सिंह रावत के लिए जनता के बीच जाकर कांग्रेस को हराने का काम करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस देश में डूबता हुआ जहाज है। शिवराज सिंह चौहान का कहना था कि देश की जनता कांग्रेस के सर्वेसर्वा राहुल गांधी को मनोरंजन तक ही सीमित रखती है। उनकी तुलना उन्होंने कपिल शर्मा से भी कर डाली। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की जनसभा कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो के जैसी होती है, जिसका वास्तविकता से कोई भी संबंध नहीं होता, मात्र जनता मनोरंजन के लिए ही उन्हें सुन लेती है। क्या कांग्रेस को देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकना चाहते? अरे अटल जी ने उत्तराखंड बनाया, मोदी जी संवार रहे हैं, पुष्कर धामी विकास में लगे हुए हैं। हमारा मूल मंत्र है विकास, विकास और विकास, जनता का कल्याण। लेकिन कांग्रेस इस तरह के मुद्दे उठा रही है। दरअसल कांग्रेस में तो झगड़ा ही झगड़ा है। मैं नहीं कहता, वो उनके नेता कहते हैं कि कांग्रेस में मगरमच्छ बहुत हो गए हैं, तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए। और उनके चार धाम तो मैंने बताए, हमारे चार धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमनोत्री, और जो आपस में लड़ रहे हैं लीडरशिप के लिए कौन मुख्यमंत्री हो, यहाँ का भी जो कांग्रेस के अध्यक्ष है वो भी मुख्यमंत्री की दौड़ में, नेता प्रतिपक्ष से लेके और हारदा तक जो हारते ही हारते हैं, ये आपस में ही लड़ रहे हैं। हम तो डूबे हैं सन, हम तुमको भी ले डूबेंगे, और अब मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसी मांग कर रहे हैं। कांग्रेस का अब कोई भविष्य नहीं है उत्तराखंड में, भारतीय जनता पार्टी को जनता जिताई। जिनको मनोरंजन के लिए 200 होते हैं, जिनको मनोरंजन के लिए लोग देखते हैं, एक कपिल का शो है, क्या नाम है, कपिल शर्मा शो, और दूसरा राहुल बाबा शो, आप सोशल मीडिया पर लगातार देखते हैं, मनोरंजन करते रहते हैं, अब ये उनकी लीडरशिप। चौहान ने आगे आरोप लगाया कि कांग्रेस जाति धर्म के नाम पर उत्तराखंड को बांटने का काम करती है, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा, ये तो उनकी मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलने वाली विचारधारा से ही पता चल जाता है। आगाज के लिए है, विजय श्री को हमने विजय श्री का मार्ग प्रस्त करना है, और आदरणीय हमारे शिवराज सिंह चौहान जी जो यहाँ पे आ रहे हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत श्रीनगर में, और वो डॉक्टर धन सिंह रावत जी के लिए वोट मांगने की अपील के लिए आ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कह रहे हैं कि नरेंद्र भाई मोदी के विकास को घर घर तक और जन जन तक पहुँचाना है, और उनके हाथों को मजबूत करके इस देश को जो है हिंदू राष्ट्र बनाना है, और हिंदुत्व के प्रति जितना भी अपने से हो सकता है वो हम सर्वस्व समर्पण करते हैं। आपका नाम? जगमोहन सिंह नेगी, ओबीसी मोर्चा मंडल अध्यक्ष, श्रीनगर। श्रीनगर गढ़वाल से भगवान सिंह, पब्लिक न्यूज़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।